हेलो वीवर्स, क्या आपको भी पेड़े खाना बहुत पसंद है लेकिन बाज़ार जैसे बनते नहीं हैं, और जब घर पे बनाते हैं तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हम खा नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए पेड़ों की ऐसी रेसिपी वीवर्स लेके आई हूँ कि आप बाज़ार के भूल जाएंगे और आप घर पे ही बनाएंगे और खाएंगे भी, जिसमें हम बहुत ही कम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और मावे का फ्लेवर ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए, बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हम अपनी रेसिपी बना के रेडी करते हैं। व्यूअर्स, मैंने ले लिया है 1/2 kg खोया, ये मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, और आपके पास फ्रेश गरम करके निकालते हैं यूज़ करें। तो व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है खोया, इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, अब ये जैसे टाइट दिख रहा है आपको फ्रिज में रखा हुआ, हमने इसको मेल्ट वाली फॉर्म में लेके आना है। तो और ध्यान रख रहे हैं व्यूअर्स, काम आप लो फ्लेम पे करें, हाई फ्लेम पे ना करें, और खोया लग जल्दी जाता है तो इसको कंटिन्यू चलाते रहे, छोड़े ना। और इन केस लग भी जाए कढ़ाई में व्यूअर्स, तो जो जिस साइड से भी लग जाता है, ब्लैक हो जाता है नीचे से, तो उसको पहले से ही निकाल के अलग कर दें, कोशिश करें आपके खोए में वो मिले ना। और व्यूअर्स, सिंपल सा मेथड है, जितना भी आपने खोया लिया है उसका हाफ आपने बूरा लेना है, बूरा शुगर जो भी आप इसको बोलते हैं वो लेना है, चीनी नहीं लेंगे हम, बूरा लेंगे। और मैंने ये 1/2 kg खोया लिया था, तो मैंने 1 पाव मैंने लिया इसमें बूरा, और मैं इसको अच्छे से इसमें मिला दूँगी। ये बिल्कुल आप देखेंगे कि मेल्ट हो जाएगा एकदम, और बहुत ही ज़्यादा पतली फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा ही इसको करना है। आप देख सकते हैं कैसे मेल्ट हो चुकी है हमारी शुगर जो हमने ऐड की थी इसमें, और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, कहीं पे भी गांठे ना रहें, और साइड में जहाँ से भी ये इनकेस लग जाएगा हल्का फुल्का, तो मैं उसको कढ़ाई से हटा के अलग कर दूँगी, नहीं तो उसका टेस्ट भी हमारे पेड़े में आ जाएगा। देखिए व्यूअर्स, मेरे 10 से 15 मिनट इसको मैंने अच्छे से चलाया, जैसा मुझे चाहिए था ऐसा ये हो चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को कर दूँगी बंद, और किसी बर्तन में इसको निकाल के व्यूअर्स मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा करना है इसको, गरम गरम में कुछ भी काम इसका नहीं है, इसको अच्छे से ठंडा होने दे। 15 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने दूंगी, और देखिए ऐसे करके मैं सारा खोया इसमें निकाल दूंगी, अच्छे से कढ़ाई को पूरा क्लीन कर ले। और 15 से 20 मिनट व्यूअर्स मैंने इसको रखा है, और हमने इसको और ज़्यादा रखना है, लेकिन अभी हम एक ही खोए से, एक ही चीज़ से, बेस से, मैं 2 तरह की रेसिपी आपको बताऊंगी, मावे वाली बर्फ़ी जो आप बाज़ार से लेके आते हैं, और मावे वाला पेड़ा एकदम मार्केट जैसा। तो हम इसी से ही, क्योंकि मेथड सेम है, तो मैं इसी में से आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। थोड़ी सी मैं बर्फ़ी बनाऊंगी खोए वाली, तो इसको मैं ग्रीस करूंगी, थोड़ी सी प्लेट को देसी घी लगा के मैंने ग्रीस कर लिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनानी है और आपको दिखानी है, तो सिर्फ मैं 1/2 प्लेट जितनी ही इसमें फैलाऊंगी, जितनी बर्फ़ी मेरी इसमें से निकल जाएगी उतनी ही, क्योंकि मेन मेरा मोटिव सिर्फ आपको दिखाना है, मेथड को बताना है, और क्योंकि बनाने मैंने सिर्फ इसके पेड़े ही थे। तो आप देखिए, सिर्फ एक ही तरीके से सेम आप 2 तरह की डिश अपनी रेडी कर सकते हैं। इसको मैं छोड़ दूंगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए, ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी अब अपने खोए को ठंडा करने के लिए। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी देसी घी अच्छे से। तो अब हमने इसको व्यूअर्स, आप 1 घंटा छोड़ दे, 2 घंटा छोड़ दे, आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। इस स्टेज पे व्यूअर्स मैं इसको बीच बीच में चलाती रही, चम्मच घुमाती रही इसके अंदर, ताकि ये ठंडा थोड़ा जल्दी हो। और आप देख सकते हैं ये कितना ठंडा हो चुका है कि मैं आराम से इसको पकड़ पा रही हूँ, एकदम से मैंने ठंडा कर लिया है व्यूअर्स। और अब आपने जिस भी साइज़ के इसके लड्डू बनाने हैं, पेड़े बनाने हैं, जो भी बनाना है, और आराम से ले बनाए, हल्की सी थंब को प्रेस करें, और ताकि ये मार्केट जैसा लुक आए। नान बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, या एकदम जैसे हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसे लुक देने के लिए सिर्फ मैंने ऐसा किया है। इसको देखिए व्यूअर्स, ऐसे मैंने सारे अपने पेड़े बना लिए हैं, और थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर देने के लिए, इलायची को कूट के, पीस के, या इलायची पाउडर जो भी आपके पास है वो उसमें थोड़ा सा लगा दे। ऐसे ही अब हम बिल्कुल ठंडी हमारी बर्फ़ी वाला जो ये हमने रेडी किया था बेस अपना, ये भी हो चुका है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी। आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन खोए की बर्फ़ी आपने मोस्टली मार्केट में भी देखी होगी व्यूअर्स,
उस पर कुछ भी नहीं लगा होता, वो अपने आप में ही टेस्टी होती है, उसको किसी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और सेब की बात रही व्यूअर्स, आप कोई भी शेप दें जो भी आपको अच्छी लगे, मैं इसको थोड़ा सा लंबी शेप में कट करूँगी, इसलिए सिर्फ मैंने इसमें एक ही कट लगाया है, क्योंकि मुझे छोटा छोटा नहीं कट करना है, ना मैंने स्क्वेयर में कट करना है, मैं इसको थोड़ा लंबा कट करूँगी। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितनी ईजली और कितने आराम से कट चुकी है, और ये देखिए एकदम मार्केट वाला लुक इसमें आ रहा है। और आप इसको खाएंगे ना व्यूअर्स, आपको इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें शुगर का टेस्ट बहुत ही कम है और ज़्यादा फ्लेवर आपको इसमें खोए का आएगा, आप मानते हैं ना, बिल्कुल बाजार जैसी। और व्यूअर्स सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको लगती है, उसके बाद इसको ठंडे होने देना है, उसके बाद का तो कोई प्रोसीजर है ही नहीं मेहनत वाला, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। और मैं आपको दिखा दे सकती हूँ कि ये एक दिन पहले मैंने पेड़े बनाए थे, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ऐसे हो जाएंगे ईज़िली, ऐसा नहीं है कि इनमें मॉइस्चर होगा, ये एकदम से टूट जाएंगे। और मैं आपको बर्फ़ी भी चेक करा देती हूँ, सेम मार्केट वाली, देखने में भी और खाने में भी। व्यूअर्स ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आए।